चौबीस नवम्बर की फाइनल कॉल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तैयारियों का आगाज हो चुका है बानी पी टी आई ने आज नौजवानों खास तौर पर तलबा और तालबात को मोबिलाइज होने का पैगाम जारी किया है अलीमा खान ने आज फिर बानी पी टी आई से मुलाकात की और कारकुनों को मन्जम होने का पैगाम दिया पी टी आई के सेक्रेटरी इतलाद शेख वकास अक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने क़ायद की कॉल पर पी टी आई के तमाम अहदेदार और कारकुन चौबीस नवम्बर को बाहर निकलेंगे इस्लामाबाद को हाथ लगा वापस नहीं आएंगे पार्टी में जो भी इमरान का लॉयल है वो निकलेगा इख्तलाफ को दफन करना होगा कायद ने कह दिया कि कॉल फाइनल है तो फाइनल है पी टी आई ने अपने अरकान पंजाब असम्बली को मशावरत के लिए कल पशावर तलब कर लिया है जराय का कहना है कि सबक खातून अव्वल बुशरा बीबी बानी पी टी आई इमरान खान का अहम पैगाम अरकान इसम्बली को पहुंचाएंगी जबकि वजी खैबर पख्तून खाली अमीन गंडापुर से भी एहत के हवाले से मशावरत की जाएगी गुजशत रोज़ पशावर में पी टी आई का अजलास हुआ जिसमें दूसरे रहनुमाओं के साथ सलमान अक्रम राजा और शेख वकास अक्रम भी शरीक हुए और जरा ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी भी इस अजलास में मौजूद थी पाकिस्तान के कई सहाफ़ती हलकों का दावा है कि बानी पी टी आई इस एहतजाज को जज्बाती अपील का रंग देना चाह रहे हैं इस दावे को पाकिस्तान तहरीक इजलासों में बुशा बीबी की शिरकत और अलीमा खान के अपने भाई के लिए तर्जुमानी के फरज़ को मजीद तकवीत फराहम कर रहे हैं इमरान खान पूरी सियासत में मौरूसी सियासत की सख्त मुखालफत करते आए हैं मुश्किल दौर में उनकी बहनें और अहलियाँ उनके साथ खड़ी रहीं मगर उन्होंने कभी उन्हें सियासत में फाल किरदार नहीं दिया फरवरी के इंतबात इस बात का सबूत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद अज इतखात एहताजी सियासत में नाकामी ही देखने को मिली अब बहलिया या बहन को एहतजाज में फाल किरदार देने का यही मकसद दिखाई दे रहा है कि एहतजाज में जज्बाती अपील यानी इमोशनल टच को भी शामिल किया जाए दूसरे अल्फ़ में क्या बानी पी टी आई चाहते ना चाहते हुए दुनिया और बिलखसूस जनूबी एशिया की इस मारूजी हकीक़त को तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं कि सियासत और ख़ास तौर पर एहती सियासत में मजलूमियत कार्ड मौरूसीत के जरिए ही खेला जा सकता है ऐसे में सवाल यही है कि 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल को कामयाब बनाने में क्या जज्बाती अपील का ये कार्ड मौसर साबित हो पाएगा या नहीं इसी पर गुफ्तगू करेंगे पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी हमाद गजनवी जैगम खान और इफ्तार अहमद साहब आप चारों का शुक्रिया प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए बुशरा बीबी की पार्टी इजलासों में शिरकत जराए अलीमा खान की अपने भाई के लिए पैगाम रसानी क्या 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए जज्बाती अपील का कार्ड असर दिखाएगा जैगम साहब मौरूसी सियासत पर एक बयानिया रहा गुज्तर छः आठ महीने में एहतजाज की कॉल्स और उनकी हालत और उनके नतज हमारे सामने हैं अब जो खबरें मौसू हो रही हैं एक पोलिटिकल स्ट्रेटी गालिबा अपनाई जा रही है कुछ चीज़ें और शख्सियात पसेपर्दा रहेंगी कुछ लोग सामने दिखाई देंगे क्योंकि अब तक जितनी बार ऐहतजाज हुए कोई ऐसा लीडर नहीं सामने मिल सका जिसके पीछे पार्टी लाइन बना ले कतार में खड़ी हो जाए और एहतजाज नतीजा खेज कर पाए ये जो इमोशनल अपील या इमोशनल टच है क्या ये क्योंकि कह भी जा रहा है कि उठना नहीं है वापसी नहीं है मुतालबात मनवाए बिना ये असर दिखाएगा अब की बार देखिए मेरे ख्याल में पीटीआई में जज्बात की कमी का मसला नहीं है जज्बात की ज़्यादी का मसला है आप देख लीजिए उनके लीडर जो हैं वो मुर्शिद कहलाते हैं उनके पलस्तर लेकर फिरती है जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उनके झूठे पानी लेकर फिरती है शायद उनके नाखुन और बाल भी लेकर फिरती होगी तो इमरान खान से जो मोहब्बत है पार्टी में पार्टी की लीडरशिप में और फॉलोअर्स में वो बेपनाह है इसी तरीके से जो पी टी आई के मुखालफ है इमरान के मुखालफी हैं उनके साथ जो नफ़रत और गुस्सा है वो भी बेपनाह है है तो की तो है, अगर ये इतनी है। इतनी ज्यादा इमोशनल अपील है और सब कुछ है तो वो एक मौसर इतजाज नहीं कर पाए निकल नहीं पाए इवन ईयर लीडरशिप नहीं निकल पाती कि लोग पीछे खड़े हो जाए जी उसी का हम तजिया करते हैं जी। इस वक्त जो बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है आपने उसकी तरफ इशारा किया कि वो स्ट्रेटजी का मसला है और स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी लीडरशिप चाहिए हो वेरी ट्रू उस लीडरशिप का मसला है अब अलीमा खान साहबा जो है उनका किरदार जो है वो निखर कर सामने आ रहा है अहम पैगाम इमरान खान के वो बाहर लेकर आ रही हैं पार्टी में उनका रोल जो है वो बढ़ रहा है अब एक मसला जो है इसमें हमारी अपनी कल्चर का भी है कि शहजादा या शहजादी चाहिए होते हैं जो पार्टी का मालिक है उसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले ले खानदान के अलावा तो सुकून नहीं आता उसकी लेजिटमेसी को चैलेंज किया जाता है तब अलीमा खान को आगे किया गया है जो पीटीआई के अपने नैरेटिव की बहुत बड़ी नफी है इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान एक बात जिस पर डटे रहे हैं वो है कि मौरिसियत की कोई जगह नहीं मैंने खानदान के किसी फर्द को जगह नहीं देनी खानदान के अफराद इस पर कुछ उनसे नाराज़ भी हुए हम इस बात को जानते हैं लेकिन वो इस बात पर तैयार नहीं हुए और इस नैरेटिव को उन्होंने बहुत कामयाबी से दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया और ये नौजवानों में एक बहुत मकबूल बात है आज का नौजवान मरूसियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है एक जो नाराजगी की वजह है दूसरी जमातों से बड़ी जमातों से नौजवानों की वो यही मौरूसियत तो है क्योंकि मौरूसियत का मतलब है, है कि आपको सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से हक हासिल है आपको कोई कोदा सिर्फ इस वजह से मिलेगा कि आप भाई हैं बेटी हैं आप जो हैं वो समी हैं भतीजा हैं भतीजी हैं तो ये मेरिट तो ना हुआ ना और इसका मतलब है जो लोग मेरिट हैं मेरिट पर हैं काबिल हैं उनकी उनको जगह नहीं मिलेगी और नई लीडरशिप नहीं उभर सकती ये ठीक ग्रीवेंस है लेकिन खानदान के जब लोग ताकत में शरीक होते हैं तो यही मौरूसियत कहलाती है और बहन हो या भाई हो, अगर वो पार्टी के ताकत में शरीक हों तो ये मौरूसियत ही कहलाती है तो ये पहला साइन है हम इसको ये नहीं कह सकते कि पार्टी में मौरूसियत ने जगह बना ली है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये पहला साइन जरूर है अब कामयाबी और नाकामी का उन उन्होंने जो कैंपेन अभी चलाना शुरू की हुँ, हुँ। है जो अब वो कहते हैं कि आखिरी मरहला है और फाइनल राउंड है और डू एंड डाई है देखिए इसका तयन और इसका फैसला अवाम ने करना है और इसकी कामयाबी का जो पैमाना है वो भी उन्होंने बता दिया और मैं इतफाक करता हूं वह होगा कि अगर इसको सस्टेन कर सके वो तो कहते हैं वापस नहीं जाएंगे अब मसला ये नहीं कि सिर्फ लीडर वापस कलामी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इंप्लीमेंटेशन ये दो शख्सियात जो कि बहुत क्लोज है उनके इनकी मौजूदगी में इंप्रूव होगी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी अब ये, ये अब हमें पता चलेगा आगे चल के क्या बाकी तमाम लीडर इनके आगे सर झुकाते हैं और फिर इनकी पॉलिटिकल विजडम कितनी है अब मसला सिर्फ यह कि इमरान खान ने तो एक बुनियादी एक फैसला करके सुना दिया ना अब उस फैसले के नीचे हर रोज नए फैसले करने होंगे स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एक्शन प्लान भी तो होता है ना आप हमारे बाय करते हैं किस विजडम के साथ खड़े होते हैं तो इसका मतलब फैसले उसी विजडम के साथ हो रहे होंगे बिल्कुल इस बात का बहुत बड़ा अमकान है कि फैसले उसी विजडम के तहत हों डे टू डे फैसले उस विजडम के तहत हों लेकिन यह भी हो सकता है कि जब आप खानदानी अफराध को लाए हों तो खानदानी अफराद के अंदर तनाजों को कौन रोकेगा अगर दो पावर सेंटर खानदान के अंदर मौजूद होंगे तो फिर पार्टी लीडर किस को फॉलो करेंगे इस बात का भी तो रिस्क मौजूद है ना? अब यह सब चीज हमें आगे पता चलेगी कि क्या सस्टेन कर सकते हैं और अहम बात यह है आयशा कि क्या जो तीन पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं अवाम में उन पॉइंट्स की कितनी अपील है उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी उन पॉइंट के साथ कितनी है जिनकी खातिर ये निकालने का कह रहे है। हो गया। उन अत... पॉइंट्स की खातिर हाँ। उन मकसद की खातिर कितनी वो कुर्बानी देने को तैयार है जाती है कुछ तो कुछ है जिसकी पर्दादारी क्योंकि बड़े कन्फर्म से ये मालूम था कि गुजशतर रोज का इजलास जो कि हुआ वहाँ पर पेशावर में और आने वाले दिन भी इजलास की कॉल है कि बुशा बीबी हिस्सा थी अब शेख मकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि नहीं थी मगर ये चीज़ कन्फर्म है कि वो मौजूद थी ये कोई पीछे से और कोई बाहर से मतलब कुछ पर्दे के पीछे भी काम होगा कुछ पर्दे के सामने भी क्योंकि बहन सामने आकर रोज़ तर्जुमानी कर रही हैं आपके ख्याल में एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि ओनरशिप भी नहीं है कि कोई मारूसियत वाला मामला है लेकिन चीज़ों को कंडक्ट ऐसे किया जा रहा है कि जो जमात किसी जगह पर इकट्ठे होकर डिलीवर नहीं कर पा रही थी अब कम अज़ कम लाइन अप होकर डिलीवर कर पाएगी असल में मसला ये हुआ कि जो इस पार्टी के असल ब्रेन थे जो स्ट्रेटेजी इनकी बनाते थे वो अब है नहीं वो बेचारे कई जेर तफ्तीश हैं और उनके साथी भी ज़ेर तफ्तीश हैं ये ऐसे नहीं ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत अंदाज में पेश की जाती रही माजी में हर बात का जो फॉलोअप आता रहा बहुत सोच समझ के हर फिक्र हर लफ्ज़ हर मूव साइंटिफिक बुनियादों पर हमारे सामने आई ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि वो आ से जो मदद मिल रही थी वो मदद अब ना है अब बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि आपने क्या कहा आपने कल ये कहा एक कॉल दी और उस कॉल को आपने बतौर एक सियासी रंग देने की कोशिश की कि हम आइन में होने वाली तरमीम को नहीं मानते गिरफ्तारियों को नहीं मानते हमें रिहा किया जाए जुर्म के जबते हम नहीं मानते हम नहीं मानते आज एक नया मसला देखने को आया कल एक वकील साहब थे परसों और उनकी मोहतरमा खा, खातून है वो थीं आज वो वकील साहब भी तो साथ नहीं थे आज दोनों ही बहने थीं। मुख्तलिफ शहरों में आ जाओ ये, ये 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 नया ऐलान है नौजवानों आगे आओ सोशल मीडिया डट जाओ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों मुल्क को बचाओ ये लीडरलेस मामला और ये नारा कौन फिर ओन करेगा कल खुदा न खास्ता इसकी बिना पे कुछ गलती होगी कहीं पर ये बिल्कुल नयान अच्छा ये, बिल्क, ये, ये बिल्कुल ये बहुत ये बिल्कुल नया स्लोगन है परसों थे तीन नकात आज उनका तस्करा नहीं है और दूसरी तरफ़ पेशावर में एक इजलास तलब कर लिया गया और यह कहना कि नहीं तलब किया गया इसलिए हम इसको नहीं मानते कि वो खातून मोहतरम उनको कौन कंट्रोल करेगा उनका वाली वर्स कौन होगा वहां पे लीडरशिप किसकी होगी नो no, no वो खुद खुद को कंट्रोल फुद करेंगे। फुद वो फुद हो भी या नहीं होंगे किसी को मारे सॉरी देखें मैं खुद पोलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ एक मजमे के अंदर एक मॉब के अंदर चार आदमी पत्थर मारते हैं वो गायब हो जाते हैं और फिर पूरा का पूरा मजमा जो है शहर को आग लगा देता है बहुत सेंसिटिव खेल होती है ये यानी लीडरलेस मॉब को लाके सड़क पर खड़ा तो किया जा सकता है और फिर वो उसमें हरकत हो जाती है तो करने वाले तो फिर गायब हो जाते हैं लेकिन नुकसान बड़ा हो जाता है मैं बिल्कुल एक एक, एक एक्टिविस्ट की जो तजुर्बा है उसकी बिना पे ये बात कर रहा हूं ठीक अब मसला ये है कि आज का नौजवान अगर मौसीियत को तस्लीम नहीं करता तो क्या वो अपने ख़ानदानी जो रिश्ता है उसको भी तस्लीम ही करता ऐसा हो नहीं सकता वो मरूषियत की मुखालफत करता है एक हद तक ये नहीं कि वो मरूशियत में यकीन ही नहीं करता अगर वो मायूसीियत में यकीन ही नहीं रखता तो क्या वो अपने ख़ानदानी ढांचे को भी तस्लीम करने से इनकारी है ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होता मजलूमियत का कार्ड कौन सा कार्ड है मुकदमात हैं खुल के चल रहे हैं अदालतों में मैंने कल भी कहा पाकिस्तान के बेहतरीन दमाग जो हैं वकला की शक्ल में उनकी मदद कर रहे हैं आज भी अदालतों में उनका मुकदमा मुकदमा थे आज भी उनको रिलीफ मिला है कुछ मुकदमा में तारीखें मिली हैं तो मजलूमियत का कार्ड कहाँ से आ गया कौन सा ऐसा फैसला हो गया सजा हो गई जिसको कहा गया मजलूमियत और फिर एक बात और है कल बहस एक जगह पे हुई कि अगर उनको वो एक सौ नब्बे का जितने भी अमाउंट है सजा हो जाती है हाँ। तो वहीं पर पार्टी के इंतहाई संजीदा लोगों ने कहा कोई बात नहीं वी विल गो टू हाई कोर्ट ठीक और इट माई टेक टू वीक्स और थ्री वीक्स ऐसी कोई बात नहीं अब देखिए सारी बातों को सामने रख के हमें हम हम लोगों को जो मीडिया में बैठे हैं एक किरदार अदा करना है कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना हमें अगर कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उनका हक है जमहूरी तौर पर अपने हक, हक को इस्तेमाल करें लेकिन ये नहीं है कि अब सब कुछ उन्हीं के हवाले कर दिया जाए ये भी अपनी जगह एक सवाल है कि क्या अगर इस तरीके से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए पुरम ने कह कर भी तो वो पुरम रहते हैं ना, ना, जब, ना जब, ले आप ले आप जब आप तय ना कर पाए जब आप मुख्तलि शहरों की बात कर रहे हो जब आप नौजवानों को कॉल कर रहे हो जब आपकी कर रहे हो और जब आप कॉल कर रहे हो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुझे खुद बताए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का दबाव किस परियमेंट में पड़ेगा बिल्कुल